बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खेलाओ। आज अंडर 19 गर्ल्स जोनल लेवल खेल कूद प्रतियोगिता राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला जालग में शुरू हुई, जिसमें लगभग 25 से 30 स्कूल भाग ले रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश धीमान जी है, जो कि एक सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षा अध्यापक है। उन्होंने वर्ष 1981 में अपना कार्यभार संभाला था और 2009 में ये 28 साल अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हुए। आज 15 वर्ष बाद भी ये उतने ही कर्मठ और लोक सेवा में संलिप्त रहते हैं। इसी सेवा भाव के लिए ये अपने इलाके में जाने जाते हैं। इन्होंने अपने सेवा काल में सैकड़ों ही बच्चे खेलों की प्रतिस्पर्धा में राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाए हैं। ये अपने आप भी वॉलीबॉल के उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं। आज भी इनको खेल के मैदान में बच्चों को प्रेरणा देते हुए देखा जा सकता है।
वो ये दर्शाता है कि वाकई ही ये एक अच्छे ट्रेनर का ट्रेनी है। तो मैं चाहूंगा कि ये जो तीन चार गुण, खासकर पहला गुण होता है प्रेयर का सहनशीलता, जितने आप सहनशील होंगे उतने ही ऊपर उठेंगे। उसके बाद ये दूसरा गुण जो हमें गेमें सिखाती हैं वो है कोऑपरेशन। आप जब 8-10 कदम पर दुनिया का सलाम होगा, हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, दुआ है कि वक्त एक दिन तुम्हारा गुलाम होगा। खेलकूद एक व्यक्ति का पूरा चरित्र चेंज कर देता है। स्पोर्ट्समैनशिप प्रत्येक व्यक्ति में होना चाहिए। प्रतिष्ठित बनना या बहुत आगे निकल जाना वो हर एक व्यक्ति का। आप सभी बच्चों का, खास करके उनके साथ आए हुए इनके अभिभावक मतलब इनके टीचर, यहाँ मैं देख रहा हूँ बहुत नारी शक्ति आई है बच्चों के साथ। इन अध्यापिकाओं का और समस्त बच्चों का। दुभाई के पात्र है हमारे हेडमास्टर श्री संजय पटियाल जी, साथ में उनके सहयोगी टीम पूरी, राजेश कुमार जी डीपी गंदर के हैं, सीनियर अनुभवी श्री राजेश जी, बहुत बड़ी टीम, हरोट, उसके बाद गवर्नमेंट हाई स्कूल हरोट के बच्चे, उसके बाद हमारा अपना स्कूल, हमारा जोन, नाम सुनते ही गवर्नमेंट स्कूल जसिमपुर, जसिमपुर के बच्चे, उसके बाद कोसरी के बच्चे, बहुत बढ़िया, और आराम आराम से बच्चे कैंप ना करो, बहुत ही बढ़िया, सभी का सर्व मिल रहा है हमें, बहुत ही बढ़िया। कोसरी के बाद कोटल स्कूल बंद करके साथ स्कूल ये सुधीर जी डीपी अनुभवी सुधीर जी, उसके बाद लाहट के बच्चे श्री जिंद कटोर जी इसके इंचार्ज, उसके बाद लंबागांव इससे के इंचार्ज सीनियर मोस्ट डीपी लंबागांव बली राणा जी अनुभवी, उसके बाद लाड़ू के डीपी बिक्कू जी, बहुत ही बढ़िया खो खो, साथ में लाड़ू के बाद राम माता का लंबा गाँव, बहुत बढ़िया, उसके बाद मछुएड़ा के बच्चे, बहुत बढ़िया, उसके बाद मकोल के बच्चे हैं, मकोल
स्कूल के बच्चे, उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली स्कूल अंद्रेटा, अंद्रेटा के बच्चे बहुत बढ़िया, उसके बाद हमारा अपना स्कूल नजदीक में ही है पपला स्कूल, बहुत ही बढ़िया, श्री वेद प्रकाश जी खोखर के मास्टर, बहुत ही बढ़िया अनुभव के पास श्री वेद प्रकाश जी, साथ में रोपड़ी गवर्नमेंट हाई स्कूल रोपड़ी, हमारा पड़ोसी स्कूल है ये रोपड़ी, रोपड़ी के बाद सरी मोहल्ला के सुनील कुमार जी इंचार्ज डीपी, उसके बाद टंबर, उसके बाद कटहल स्कूल के बच्चे, कटहल के बाद बीके पुलिस स्कूल जसिमपुर, ये भी बच्चे बधाई के पात्र हैं, हर टूर्नामेंट में ये भाग लेते हैं, चाहे अंडर 14 हो, अंडर 19 हो, बॉयज हो या गर्ल्स हो, दुबई के पात्र स्टाफ के इनके सभी के, और एंड में हमारा अपना स्कूल जाल स्कूल, जाल स्कूल की लड़कियां झंडे के साथ बराबर अलग पोशाक में मेजबानी कर रहे हैं अंडर 19 गर्ल्स टूर्नामेंट की। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद सर। माता आशापुरी के चरणों में ये छोटे से बसे गांव में आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मुझे आज ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि बहुत बड़ी नारी शक्ति जो है, वो बच्चियां जो हैं, वो आज हमारे यहाँ सामने बैठी हुई हैं, तो मैं आपको नम्र करता हूं। मैं प्यारे बच्चों, प्यारी बेटी जो, मैं ज़्यादा ना कहूँगा, क्योंकि मेरे से पहले सभी भक्तों ने यहाँ स्पोर्ट्स के बारे, खेल के बारे में बता दिया है, लेकिन मैं विशेष तौर पर जो दो शब्द कहूँगा वो आप बच्चियों के लिए कहूँगा, आप बेटियों के लिए कहूँगा, कृपया आप जरूर बेटियों ध्यान दें, हो सकता है कि मेरे बताया हुआ आपका कोई शब्द आपके मन में घर जाए, घर कर जाए और आपके वो जीवन को, आपके विषय को संवार दे। तो मेरा सभी बच्चियों आपसे निवेदन आ गया, कृपया थोड़ा आप जरूर ध्यान से दें, मैं आपकी तुलना उन महान नारियों से, उन महान भारतवर्ष की जितनी वो नारियां हुई हैं उनसे आपकी मैं तुलना करूंगा, आप किसी से कम नहीं हैं, तो कृपया मेरा आपसे विशेष ध्यान रहेगा कि जो कुछ मैं दो शब्द कहूंगा कृपया आप मेरी तरफ ध्यान दें और बड़े ध्यानपूर्वक से आप सुने। आज मैं इस मंच से गौरवित महसूस कर रहा हूं कि आज मुझे विधाता ने आप बच्चों के रूप में उस मातृ शक्ति को नम्र करने का मौका दिया है जो विश्व की रचयिता है। विश्व का इतिहास आप बच्चियों ने रचा हुआ है। भगवान इस संसार से जाने के लिए असंख्य रास्ते खोल दे रखे हैं, परंतु धरा में आने का केवल मात्र एक रास्ता मातृ शक्ति के रूप में आप बेटियां हो। तो नहीं, आप बेटियों मेरी बात, आप बेटियां हो। इस संसार का स्वामी भी जब जब धरा पर आया तो कभी राम के रूप में, कभी कौशल्या को ढूंढता देखा गया, तो कभी कृष्ण के रूप में देवकी को तलाश करता रहा। सीताराम और ढूंढता रहा, हर रूप में आप भगवान द्वारा वंदित हो, तभी तो उस देश का हर मंदिर राम सीता नहीं, सीताराम और राधा श्याम से जाना जाता है। आज मेरे इस देश की बेटी चूल्हे चौके और सती प्रथा की चिता से ऊपर उठ करके मेरी ड्यूटी कौन है? मैं बोला सारे मास्टर जा रहे हैं।
करवाई है। प्रिया पीछे क्यों जा रही, तू आगे खड़े। Thank you.
Thank you.